4/1999 बड़ोदे में खालसा पंथ की त्रिशताब्दी समिति का समारोह हुआ। उसमें स्वामी सच्चिदानंद परमहंस भक्ति निकेतन आश्रम पेटला दंताली वालों ने जो प्रवचन दिया उसका आगे सार है। जैसे बड़ौदा सिख समाज के प्रमुख महोदय, उप प्रमुख महोदय और उनके सभी साथीगण, 300 साल खालसा पंथ की जो उत्साह हम लोग मना रहे हैं, उसमें दूर दूर से और पास से आए हुए सभी सिख भाई और माताएं, मेरी दृष्टि से अगर खालसा पंथ को समझना है तो कम से कम चार बातों को, चार स्टेजों को समझना जरूरी है। अगर कोई सूर्य को समझना चाहता है तो पहले रात को समझना जरूरी है। जहां रात नहीं होती वहां सूर्य की कोई जरूरत भी नहीं होती और उसकी कोई कीमत भी नहीं होती। रात जितनी गहरी अंधेरी होती है सूर्य की महिमा, सूर्य की चमक उतनी महत्तम होती जाती है। इसलिए अगर खालसा पंथ को समझना है तो खालसा जी के पहले माने गुरु नानक देव जी से पहले इस देश में क्या धार्मिक दशा थी, क्या राजकीय दशा थी, क्या सामाजिक दशा थी, उसको समझना जरूरी है। हमारे यहाँ बहुत प्राचीन काल में ऋषि हुआ करते थे और वो ऋषियों का एक बड़ा, बहुत बड़ा प्रभाव था जो सतलुज, रावी, चिनाब, कश्मीर, पंजाब, अफगानिस्तान इन सारे प्रदेशों में रहते थे। उनकी एक विचारधारा थी लेकिन क्रमशः उस विचारधारा का लोप हुआ और विचारधारा बदल गई। मेरा ऐसा मानना है किसी आदमी को अगर मारना है तो आप तलवार से मार सकते हैं लेकिन अगर किसी पूरी प्रजा को मार डालना है विचारों से मार डालिए। अगर वो गलत विचारों को अपनाती है पूरी प्रजा अपने आप मर जाएगी। पूरी प्रजा कभी भी तोपों से नहीं मरती है, हथियारों से नहीं मरती है। अगर तोपों से, बंदूकों से, हथियारों से प्रजा मरती तो सिख प्रजा कब की मर जाती। सिख प्रजा के ऊपर इतनी तोपें चली, इतनी बंदूकें चली, इतनी तलवारें चली लेकिन आप सब देख रहे हैं कि आज वह प्रजा और भी ज्यादा तेज लेकर के खड़ी। अगर बंदूकों से प्रजा मरती तो जर्मनी मर जाता, वियतनाम मर जाता, जापान मर जाता क्योंकि उनके ऊपर बहुत बम गिराए गए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो शस्त्रों के सामने जूझते हैं और पानीदार होते हैं और ताकतवर होते हैं। इसलिए प्रजा शस्त्रों से नहीं मरती है, प्रजा जब मरती है तो गलत विचारों से मरती है और गलत विचार जो है
पूरे देश पर छाए हुए थे। वो तीन प्रकार से छाए हुए थे। पहली बात तो ये थी कि हमारा जो अध्यात्म है वो पलायनवादी हो गया था। पलायनवादी का मतलब है जो प्रश्न है, जो जिम्मेवारियां हैं, उनसे भागो, उनसे दूर हो जाओ, उनमें मत पड़ो, उनके बीच में मत पड़ो, जो होना है होने दो, अपना उद्धार कर लो, अपना कल्याण कर लो, दूसरों की फिक्र मत करो, दूसरों की चिंता मत करो, परलोक को सुधार लो, परलोक को सवार लो। इसका फल ये हुआ कि लोग भागने लगे थे, अपनी जिम्मेवारियों से लोग भाग रहे थे और भागने वालों की पूजा होती थी। जो जितना ही ज्यादा भागता था उसकी उतनी ज्यादा पूजा होती थी। दूसरी गलतफहमी ये हुई, हम अहिंसावादी हैं। मैं आपको बीच में कह दूं, हम हिंदू लोग, सिख लोग, शास्त्रीय रूप से कहता हूं अहिंसावादी नहीं है, हम हिंसावादी भी नहीं है। अहिंसावाद एक छोर है, हिंसावाद दूसरा छोर है। हम वास्तववादी हैं। वास्तववादी का मतलब होता है जिस समय जो करना है वो करना ही है। आपने कभी राम या कृष्ण की ऐसी कोई छवि देखी जिसमें वो दोनों माला लेके बैठे हों, राम माला फिराते हों, कृष्ण माला फिराते हों, ऐसी कोई छवि आपने देखी? या वो ध्यान करते हों, ऐसी कोई छवि आपने देखी? राम और कृष्ण हमेशा धनुष बाण और चक्र लिए हुए, उन्होंने जिंदगी भर युद्ध किए, कभी शांति से बैठे नहीं। दूसरों की शांति के लिए जो युद्ध करता है वो शांति दाता बनता है, दूसरों की अशांति को दूर करने के लिए जो खुद अशांति भोगता है वो दुनिया का सबसे बड़ा तपस्वी है, उससे बढ़कर के और कोई तप नहीं है। यहां जब इतनी संगत इकट्ठी हुई है तो आप जानते होंगे कि इनके रहने के लिए, भोजन के लिए और चीजों के लिए कितने लोग काम में लगे होंगे, कितने लोगों ने रात भर जागरण किया होगा, रथ जगा किया होगा। ये सब तपस्वी है, क्योंकि ये दूसरों के लिए खुद अशांति भोगते हैं। लेकिन एक इतना बड़ा परिवर्तन आया, इतना बड़ा परिवर्तन आया जहां हम ऐसे रास्ते पर चढ़ गए कि जहां हम वास्तववाद को छोड़ करके एक बिल्कुल किनारे पर लग गए। और उस किनारे का फल ये हुआ कि हमने शस्त्र छोड़ दिए, पूरी प्रजा शस्त्र बिना की हो गई, और जो थोड़े से लोग शस्त्रधारी रहे वो प्रजा के ऊपर ही जुलम करने लगे, शत्रुओं के ऊपर नहीं लेकिन गरीब प्रजा के ऊपर जुलम करने लगे। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात थी, इतना बड़ा देश लेकिन उस देश में जो वर्ण व्यवस्था हुई उसमें कोई ब्राह्मण बना, कोई क्षत्रिय बना, कोई वैश्य बना, कोई शूद्र बना, कोई महाशूद्र बना, आदमी को जानवर से भी नीचा बना दिया, आदमी को आदमी भी नहीं रहने दिया। अगर कोई जानवर भी किसी के घर में घुस जाता है, बिल्ली कुत्ता, तो कोई घर नहीं धोता है, लेकिन अगर कोई आदमी आ जाता है तो पूरे घर को धो जाते हैं। इतनी गलत फहमियां, इतनी विचारधारा गलत हो गई। और जब विचारधारा गलत होती है तो एक व्यक्ति का पतन नहीं होता है, पूरी प्रजा का पतन होता है। गुरु नानक देव जी प्रादुर्भाव हुआ उससे पहले आप देखेंगे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक
सारे देश में अंधकार छाया हुआ है। लोग मोक्ष के लिए काशी जाते थे और काशी में जाकर करवट लगवाते थे, जैसे कोई सुथार है, बढ़ई है, वो लकड़ी को काटता है, ऐसे आदमी को काटा जाता है परलोक को सिद्ध करने के लिए। कोई जगन्नाथपुरी जाते थे और रथ के नीचे नीचे कुचले जाते थे, माने देश को इतना गलत 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 रास्ते पर ले जाया गया जहां बर्बादी के सिवा और कुछ भी नहीं था। आपको जान करके शायद दुख होगा, दुनिया में एक हमारा ही देश ऐसा है जहां केवल 1.5 करोड़ आदमी केवल धार्मिक आजीविका में लगे हुए हैं, 1.5 करोड़ आदमी केवल पेट भरने के लिए धार्मिक आजीविका के रास्ते में लगे हुए हैं। सारी दुनिया में कहीं ऐसा देखने को नहीं मिले। एक पूरा वर्ग जो है वो भोजन करने और दक्षिणा लेने के लिए पैदा हुआ और वो लोगों को यही समझा रहा है आपको सुखी होना है ने? इतना भोजन करा दीजिए, इतनी दक्षिणा दीजिए, आप सुखी हो जाएंगे। आपको फलाना है ने? आपको फलाना करना है ने? फलाना करना है ने? माने आप देखेंगे कि पूरे देश में एक अंधकार फैला हुआ है। एक दूसरी चीज याद रखना, अंधकार जब राजकीय क्षेत्र से फैलता है तो थोड़े वर्षों के लिए होता है। एक बुरा राजा आता है, अंधकार फैलाता है, राजा मर जाता है, अंधकार पूरा हो जाता है। लेकिन अंधकार जब धार्मिक क्षेत्र से फैलता है वो थोड़े दिनों के लिए नहीं आता। शास्त्र के नाम पर जो बात लोगों को कही जाती है वो बात चाहे सही हो चाहे गलत हो, उसकी असर तो वर्षों तक रहती है, पीढ़ियों तक रहती है। ऐसे समय में कहीं कोई आशा की किरण नहीं थी, तब जाकर के पंजाब में तलवंडी कहिए, ननकाना साहब कहिए, वहां हमारे प्रथम गुरुदेव नानक देव जी का प्रादुर्भाव हुआ। और आप सब जानते हैं अभी तक की जो प्रथा थी, वहां जो गुरु होते थे, जगत गुरु होते थे, ब्राह्मणों में से होते थे, अवतार होते थे क्षत्रियों में से होते थे, वैश्यों में से तो कोई नहीं हो रहा था, गुरुदेव वैश्य में से हुए। और वैश्य में से होकर के भी इन्होंने बहुत भ्रमण किया, बहुत भ्रमण किया। हमारे यहाँ एक ऐसी मान्यता है जिसको आदमी बनना है उसको घूमना चाहिए। खुद शुरू होता है इंसान, ठोकरें खाने के बाद रंग लाती है हीना पत्थर पे घिस जाने के बाद। उस समय में जो नियम थे उन सब नियमों का उन्होंने उल्लंघन किया, उपेक्षा की, फलाने देश में नहीं जाना चाहिए, फलाने देश में नहीं जाना चाहिए, वहां पर यवन रहते हैं, अशुद्ध है, भ्रष्ट हो जाओगे, धर्म बर्बाद हो जाएगा। इस सारी मान्यता के द्वारा हिंदू प्रजा सिकुड़ रही थी, एकदम सिकुड़ रही थी, जैसे कछुआ सिकुड़ जाता है। ऐसे गुरुदेव अफगानिस्तान से होते होते मक्का मदीना तक पहुंचे, उनको कोई अशुद्ध करने वाला नहीं मिला। आदमी अशुद्ध कर्मों से होता है, रोटी खाने से नहीं होता है, पानी पीने से नहीं होता है। रोटी भगवान की दी हुई है, पानी भी भगवान का दिया हुआ है। अगर वो पानी शुद्ध है, स्वच्छ है, आप कहीं भी पी सकते हैं। रोटी भी शुद्ध है, अच्छी तरह से स्वच्छता से बनी हुई है, आप कहीं भी रोटी खा सकते हैं। लेकिन मैंने पहले कहा ना, विचार ही ऐसे गलत कर दिए थे। मैं अपने भाई की रोटी नहीं खाता हूं, मेरा भाई दूसरे की रोटी नहीं खाता। सारा धर्म रोटी में घुस गया था, सारा धर्म पानी में घुस गया था। अगर कोई आता है और किसी को जूठा पानी पिला देता है वो भ्रष्ट हो जाता है, फिर हम कभी उसको स्वीकार नहीं कर सकते। गुरुदेव ने हम लोगों की आंखें खोलने के लिए ये भ्रमण किया और भ्रमण करके दिखाया कि देखो मैं सब जगह घूमा हूँ, घूमता हूँ, मेरी बुद्धि तो कहीं बिगड़ी नहीं है,
मैंने भी थोड़ी बहुत यात्राएं की है देश विदेश की, और मैंने सब तरह से अनुभव किया है। इस प्रकार से आदमी की बुद्धि नहीं बिगड़ती। ये बिल्कुल सरासर गलत चीज है कि फलाने हाथ की रोटी खावे तभी आप शुद्ध रहते हैं और दूसरे की हाथ की रोटी खावे तो अशुद्ध हो जाते हैं। आप शायद जानते होंगे यहाँ 150-200 बरस तक अंग्रेज लोग रहे, और अंग्रेजों की रसोई बनाने वाला प्रायः कोई न कोई चमार रहते थे। हमारे यहाँ का दलित कोई रहता था, बनकर रहता था, बंगी रहता था, उनकी रसोई बनाते रहे, अंग्रेज लोग खाते रहे। लेकिन कोई ये कह नहीं सकता है कि अंग्रेज की कोठी पे जाकर के कोई रिश्वत देने पहुंचा हो, कोई कलेक्टर हो, कोई डीएसपी हो या कोई अफसर हो, और हम जब चाहे तब उसके बंगले पर पहुंच जाएं और जब चाहे तब उसको रिश्वत दे दें। ऐसा तो कभी सुना नहीं। उनका अपना एक व्यक्तित्व थी, व्यक्तित्व था, एक पर्सनालिटी थी। तो गुरुदेव ने हम लोगों को पहली बात ये समझाई। दूसरी बात ये थी, उन्होंने कहा देखो रब एक है। हमारे उपनिषदों में बार बार इस चीज को समाया, एकम अद्वितीयम ब्रह्म, परमात्मा एक है, एक है, एक है, दो नहीं है, तीन नहीं है, चार नहीं है। लेकिन वो एक वाली बात जो है ढक गई थी, क्योंकि उसमें आमदनी नहीं थी, आमदनी तो बहुत में थी। आप जितनी मूर्तियां खड़ी कर दीजिए उतनी आमदनी बढ़ जाएगी, जितनी जितने मंदिर खड़े कीजिए उतनी आमदनी बढ़ती चली जाएगी, और क्रमशः धीरे 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 ये सारा माहौल जो है आमदनी की तरफ मुड़ गया था। गुरुदेव ने हम सबको जगाया, रब एक है, परमात्मा एक है, परमेश्वर एक है, अलग पुरुष, अकाल निर्भय, वो अकाल है, वो निर्भय है, वो एक है। उस मूल चीज को जो हमारे उपनिषद के ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले कही थी और जिसको दबा दी गई थी, जिसको ढक दी गई थी, उसको उन्होंने उजागर किया। उजागर किया इतना ही नहीं, अपनी वाणी के द्वारा, अपने प्रचार के द्वारा, अपने प्रभाव के द्वारा, अपनी संगतों के द्वारा लोगों को जगाया। पंजाब एक ऐसा प्रदेश है, भारत तो सारा भारत है, सभी प्रदेशों की अपनी कुछ न कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन पंजाब की विशेषता किसी और के सामने एक समान नहीं कर सकते। जो भी दुश्मन आया वो पहले पंजाब में आके खड़ा हुआ, चाहे वो सिकंदर आया हो, चाहे और कोई आया हो, हजारों सैकड़ों वर्षों से जो भी आया खैबर और बोलन से, उसको पहली जो धरती मिली वो पंजाब की धरती में। हम ये कह सकते हैं पंजाब ने जितने युद्ध खेले हैं, पंजाब ने जितने युद्ध देखे हैं, पंजाब ने जितनी कुर्बानियां और बलिदान दिए हैं, दूसरे प्रांतों को इतना सौभाग्य नहीं मिला। और ये एक ये बात भी है कि जो बलिदान देकर के जो टिक जाते हैं वही महान होते हैं। तो निहाल जो बलिदान नहीं दे पाते हैं, भाग जाते हैं, या जो टिक नहीं सकते हैं, वो कभी महान नहीं हो सकते। पंजाब की ये खासियत रही, हर हर प्रकार के जुल्म के सामने वो लड़ते रहे, टिकते रहे, और अपने अपनी शख्सियत को, अपने व्यक्तित्व को वो बचाते रहे। पहले तो ये बात हुई, लेकिन आप जानते होंगे कि गुरु नानक देव जी का जो संप्रदाय था, पंथ था, उनकी उनका जो प्रचार था वो ज्यादातर आध्यात्मिक था। वो चाहते थे लोग सच्चे मार्ग पर चले, सही मार्ग पर चले, उनको कोई दम्भी, पाखंडी, कोई धूर्त आदमी उनको कोई ठगे नहीं, उनको कोई गलत रास्ते पे नहीं ले जाए, ये उनकी इच्छा है। लेकिन दूसरा जो मोड़ आया, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, आगरा में एक ऐसा बादशाह हुआ जिसका नाम जहांगीर था, और जहांगीर के लड़के ने बगावत की और उस लड़के को पकड़ने के लिए जहांगीर लड़के के पीछे पड़ा। पढ़ते 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 आप लड़का जो है पंजाब में आता है, और पंजाब में गुरु अर्जन देव जी के लंगर में जाकर के रोटी पाता है। साधु संतों का जो आश्रम होता है सबके लिए खुला होता है, वहां कोई प्रतिबंध नहीं होता है। और मैंने
मैं सबके लिए तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन आज भी मैं कह सकता हूं कि गुरुद्वारों में जहां कहीं भी लंगर चलते हैं, वहां किसी भी लंगर में कोई भी आदमी पहुंचाए, समय पर अपना मत्था ढक ले और लंगर में बैठ जाए, सबके साथ में उसको रोटी मिल जाएगी। कोई ये पूछता नहीं है कि तुम कौन हो और क्या हो और चले जाओ यहां से, तुम यहां क्यों आए हो। रोटी की उदारता जो है, रोटी की विशेषता जो है, जितनी लंगरों में आप देखेंगे शायद दूसरी जगह पर इतनी देखने नहीं मिले। तो गुरु का लंगर लगा हुआ है, बादशाह का लड़का अगर वहां पहुंच गया तो उन्होंने उनको भी रोटी खिला दी। ये तो होता है। मेरे आश्रम में एक बार एक सज्जन आए पहने हुए कपड़े से, उन्होंने कहा महाराज मैं यहां रहना चाहता हूं, मैं दुखी हूं, मारा मारा हूं, फलाना हूं, ऐसा हूं ऐसा हूं। करीब डेढ़ दो महीना तक हो रहा, डेढ़ दो महीने के बाद में जब वो जाने लगा तो वो जाकर के जाते समय मुझे कहता है महाराज माफ करना, मैं खून करके आया था। अरे मैंने कहा भाई तुम खून करके आए और तुम्हारे पीछे पुलिस आती तो मेरी क्या दशा होती। नहीं महाराज यहां नहीं आ सकती। अरे नहीं आ सकती वो अलग चीज है कि मैंने आपको बात जो थी वो कह दी और मैंने कोई अपने लिए खून नहीं किया है, मैंने धर्म के लिए किया है, मैंने किसी की इज्जत बचाने के लिए, किसी लड़की की इज्जत बचाने के लिए खून किया। गया आश्रम है, गुरुद्वारा है, धर्मस्थान है, वहां पे कई प्रकार के लोग आते हैं, दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं। क्या हर आदमी को हम दस दस पीढ़ी का बड़ा पूछते रहते, तुम्हारे बाप कौन थे, तुम्हारे फलाने कौन थे, तुम क्या हो। अरे भूखा आदमी हो पहले उसको रोटी खिलाओ। लेकिन वो बादशाह नहीं समझ सका, कुछ लोगों ने उसके कान में जहर डाला। और ये भी याद रखना हमारे यहां कई 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 अर्जुन पैदा हुए, भीम पैदा हुए, राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, हमने थोड़े विभीषण भी पैदा किए। हमको चाहे अच्छा लगे या ना लगे, हमारे बीच में कभी कभी विभीषण भी पैदा होते हैं और वो हमारे भाइयों को मरवाते हैं जानबूझ करके। बादशाह के कान में जहर बोला गया और बादशाह ने, आप सब जानते हैं, लाहौर में रावी के किनारे पर गुरु अंगद देव जी का जो बलिदान लिया, इतनी क्रूरता से, इतनी बेरहमी से लिया, और रेत को तपा करके उसमें तवा लगा करके बड़ी बुराई पूरी तरह से उनको ये किया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि जो ये संप्रदाय जो चला आ रहा था उसने एक बहुत बड़ा मोड़ ले लिया। अब तक ये संप्रदाय माला गिराने वाला अध्यात्मवाद था, लेकिन हरगोविंद सिंह जी जब आए, हरगोविंद गुरु हरगोविंद देव जी, उन्होंने कहा देखो सिखो तुम मेरे पास आओ तो घोड़ा लेकर के आओ, शस्त्र लेकर के आओ। माला का धर्म तो बड़ा आसान धर्म है, तलवार का धर्म सबसे सबसे कठिन धर्म है। और माला का धर्म सही अगर प्रजा का कल्याण हो जाता तो यहां तो कितने लोग माला फिराते हैं। आप देखेंगे हर आदमी के हाथ में माला ही माला है, लेकिन जो हाथ माला फिराता है उसको समय आने पर तलवार फिराने की भी ताकत होनी चाहिए। सोनिहार ऐसा माना जाता है। एक बहुत बड़ी क्रांति, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। आज तक बुद्ध हुए, महावीर हुए, जो भी हुए, बल्कि कई लोग तो ऐसे भी हुए जिन्होंने शस्त्रों को छुड़ाया, छोड़ दो ये अच्छा नहीं है, माला ले लो हाथ में, कोई मारे तो मर जाओ, लेकिन अच्छा अगर किसी की इज्जत लूटी जा रही है तो लूटाने दो, वो गए जन्म का ऐसा भोग होगा उसका, उसने ऐसे कर्म किए होंगे तो भोग ले, आपने क्या है। लेकिन यहाँ एक नए पंथ का प्रादुर्भाव होने जा रहा था, एक नया प्रकाश होने जा रहा था, और उसका एक पहला रूप है जिसमें कहा गया तुम बदल जाओ, अब तुम केवल भगत नहीं हो, भगत होना है। मेरी ऐसी मान्यता है जहां शौर्य होता है शौर्य गाथाएं होती है, और जहां शौर्य गाथाएं होती है वहां प्रेम गाथाएं होती है, और जहां प्रेम गाथाएं होती है
वही भक्ति गाथाएं होती है। ये तीनों गाथाएं एक दूसरों की पूरक है। जहां शौर्य नहीं होता वहां प्रेम नहीं होता। प्रेम भी तो बर्बादी है, चाहे वो लैला मजनू हो सीरी फरहाद हो, वहां तो बर्बादी ही बर्बादी है। शादी होती है, सब कुछ होता है, संसार होता है, प्रेम नहीं होता। और जहां प्रेम होता है वहीं पर भक्ति गाथा होती है। इसलिए इन्होंने गुरु हरगोविंद सिंह जी, हरगोविंद दास जी ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया और उस परिवर्तन का रूप फलते 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 फलने लगा। आपको ये भी पता होगा कि लोहा को जब तपाया जाता है और उसको जब पीटा जाता है तभी जाकर के उसमें से एक आकार पैदा होता है। अगर लोहा को तपाया ना जाए, उसको पीटा ना जाए, तो उसमें से आकार नहीं बनता है। प्रजा को भी जब सताई जाती है, जुल्मों के द्वारा सताई जाती है, तपाई जाती है और पीटी जाती है, तो उसमें से एक आकार बनता है। लिखा गया है एती मार पई, इतनी मार पड़ी, इतनी मार पड़ी, इतनी मार पड़ी। पंजाब एक ऐसा प्रदेश था, आने वाले वहीं से आते थे और लूट खसूट करके गुलामों को बना करके, औरतों को, बहनों को, राजा की रानियों को, नगर शेठ की पत्नियों को गुलाम बना करके उसी रास्ते से लोग ले जाते और उनको देख करके इतना दुख होता। आप गुरु गोविंद सिंह जी की और नानक देव जी की इनकी सब कविताओं को देखिए, उन्होंने क्या, वो भगवान को देख रहा है हमारे ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, क्या तू देख रहा है? और भगवान मुस्कुरा कर कह रहा था हाँ मैं देख रहा हूं, लेकिन मैं ये देख करके ये तुमको कहना चाहता हूं कि इस जुल्म के सामने तुमको खुद को खड़ा होना पड़ेगा। तुम ये चाहो कि मैं कोई जादू की लकड़ी घुमा दूं और रातों रात सब ठीक हो जाए, तो ये ठीक नहीं है। अगर इस प्रकार से कुछ ठीक हो भी गया तो ज्यादा दिन तक वो ठीक रहेगा, तुमको खुद को खड़ा होना पड़ेगा। और एक आदमी को खड़ा करना वो तो आसान चीज है, लेकिन पूरी प्रजा को खड़ा कर देना, पूरी जनता को खड़ा कर देना, ये तो बहुत मुश्किल काम है। और जो मुश्किल काम करते हैं वही महापुरुष, वही सद्गुरु। यहां से बात चल पड़ी और उधर जुल्म भी बढ़ने लगे। इतने जुल्म बढ़े, इतने जुल्म बढ़े, वो तो लंबी कहानी है। लेकिन उस जुल्म, हर जुल्म को सुनने वाला एक आदमी गुरु तेग बहादुर जी के पास में जाकर के लोगों ने कहा हमारा धर्म बचा लो, हमको चैलेंज दी गई है या तो धर्म बदलो या मौत के घाट उतार दिए जाओ। और गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि कहो कि हमारे गुरुजी पहले धर्म बदलेंगे तो हम उनके पीछे अपने आप बदल दें। एक ऐसा जमाना भी यहां आया जहां धर्म जो है तलवार की नोक के द्वारा निकलता रहा। पहले यहां धर्म का प्रचार होता रहा लेकिन वो शास्त्र के द्वारा होता रहा, शस्त्र के द्वारा नहीं, शास्त्र के द्वारा, जीव के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, वाणी के द्वारा। आपको ठीक लगा बौद्ध हो जाइए, जैन हो जाइए, फलाने हो जाइए, हो जाइए। लेकिन एक जमाना ऐसा आया कि केवल तलवार की नोक पर धर्म बदला जाता है, केवल तलवार की नोक पर। और तब सारी प्रजा डरी हुई, सहमी हुई, घबराई हुई, कहां जा रहे, कहां जा रहे, कहां जा रहे। और आप सब जानते हैं कि उसी निमित्त से गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली या आगरा बुलाया गया और उनका बलिदान लिया गया। और इतनी क्रूरता से आज भी रकाबगंज और शीशगंज गुरुद्वारे उनके प्रतीक के समान है। कोई एक बहादुर पुरुष जाकर के उनका घर ले आता है, कोई शीश ले आता है, छिप करके अपना घर जला करके उनकी अंत्येष्टि क्रिया करता है, दाह क्रिया करता है। कैसे आदमी होंगे वो, किस प्रकार के होंगे, जहाँ एक तरफ औरंगजेब जैसा जुल्मी बादशाह है तो दूसरी तरफ एक छोटा सा आदमी भी कहता है मैं अपना शीश दे दूंगा लेकिन मेरे गुरु की शान को मैं जाने नहीं दूंगा, मेरे गुरु की शान ही मेरा जीवन है। ऐसे बलिदान करने वाले भी लोग। और तब गुरु गोविंद सिंह जी तो बहुत छोटे बालक, 8-9 बरस की उनकी उम्र थी, और इतनी छोटी उम्र में क्या ये सारा जहाज डूब जाएगा, इतना सारा किया कराया सब धूल में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा।
एक 9 बरस का बालक क्या कर सकता है। लेकिन आपने देखा हमेशा जो शक्ति होती है वो बहुत छोटे कण में होती है, और जो विस्फोटित होकर बड़ा होता है तो उसमें से बहुत बड़ा पावर खड़ा होता है। आपने बहुत छोटी उम्र में ही इन सारी चीजों को ख्याल में रख लिया, और जो मैं कहना चाहता हूं वो जो चौथा परिवर्तन आया, चौथा जो मोड़ आया, उन्होंने देखा कि अब ऐसे लोहे के पुरुष पैदा करने होंगे, फौलाद के आदमी पैदा करने होंगे, जो इस सारी सल्तनत को, अत्याचारों को, जुल्मों को अपने छाती के ऊपर झेल सके और जवाब दे सके। उसी में से पंज प्यारों की उत्पत्ति हुई। आप पंज प्यारों की बातें मेरे से ज्यादा जानते हैं, मुझे गौरव इस बात का, गौरव इस बात का है कि पंज प्यारों में एक गुजरात का भी था। भाई मोहकम सिंह जी द्वारका से गए थे, कोई जगन्नाथपुरी से गया था, कोई कहीं से गया था, कोई कहीं से गया था, कोई कहीं से गया था। क्या माहौल होगा, कितनी पहुंच होगी, लोग समझते कि क्या है इनमें, लेकिन उनको पता नहीं कि एक द्वारका में भी एक है, एक जगन्नाथपुरी में भी है। सच्चाई चाहे छोटी हो, थोड़ी हो, लेकिन वही आप जाकर के बड़ी होती है, और झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन वही जाकर के आगे खत्म होता है। आप जानते हैं पंच प्यारों की उत्पत्ति हुई, और पंच प्यारों के द्वारा गुरुदेव जी ने अमृत छकाया, और जब अमृत छकाया तो उन्होंने कहा सारी विधियां बंद करो, ये कर्मकांड, ये कर्मकांड अब बंद करो, इसने धर्म को बर्बाद कर दिया। यहाँ चावल डालिए, यहाँ कंकू डालिए, यहाँ दुर्वा डालिए, यहाँ फलाना कीजिए, यहाँ फलाना कीजिए। धर्म को इतना सीधा बना दो, इतना सादा बना दो, इतना सरल बना दो, जिसमें कोई अटपटा ना हो, गुत्थिया ना हो, पूछे ना। उन्होंने कहा मेरी तलवार है, उस तलवार को हम पानी में धोएंगे और वही पानी अमृत बन जाएगा। आज तक किसी ने तलवार से तो अमृत बनाया नहीं था, अमृत बनाने के और भी कई तरीके निकले होंगे, लेकिन इन्होंने पहले कहा मेरी तलवार धोएंगे और उसी तलवार में से जो पानी बनेगा वही अमृत होगा। माता जी ने कहा ठहरिए, उसमें थोड़ा पता सा डाल दीजिए, पानी मीठा हो जाएगा। और उन्होंने कहा देखो मेरी तलवार, मैं बाप हूँ, मैं पिता हूँ, और पिता जो है वो कर्तव्य देता है, ड्यूटी देता है, और माँ जो है मधुरता देती है, माँ के हाथ से मधुरता निकलती है। लड़का दिन भर लड़ता है, माँ शाम को रोटी खिलाती है। बाप तो तलवार देता है, दूसरी तलवार बताता है, देखो ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ। माँ ये सोचती है दिन भर लड़के मेरा लड़का आया है, मैं उसको क्या खिलाऊं, उसको क्या पसंद है। माँ की मधुरता उसमें मिली और वो पंज प्यारे तैयार। उन्होंने कहा अभी एक बात बाकी है, अभी मैं तो खालसा पंथ का हुआ ही नहीं हुआ, इसलिए आप मुझे खालसा बनाओ। और आप सब जानते हैं उन्हीं पंज प्यारों के हाथों से वही अमृत गुरु जी ने छका। और कहा अब मैं गुलाब राय नहीं, अब मैं गोविंद राय नहीं, अब मैं गोविंद सिंह, मेरे जो भी सिख होंगे अब वो सिंह होंगे। केवल सिंह नामधारी नहीं, लेकिन जंगल का सिंह, जैसे हजारों प्राणियों के बीच में दहाड़ दे करके अपनी एक मजबूती से रहता है, इसी तरह से मेरे सिंह भी जहाँ कहीं भी रहेंगे, जिधर भी रहेंगे, उनकी दहाड़ के सामने कोई नहीं टिक सकेगा, ऐसे में सिंह पैदा कर सकता। आप जानते हैं एक लड़के को अगर अच्छा बनाना है तो एक माँ बाप बना सकता, लेकिन यहाँ तो पूरी प्रजा को खरगोश में से, हिरणों में से सिंह बनानी है। मैं ये कह रहा हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ कि सिखों में प्रायः जो है वो आप देखेंगे किसी की अटक भाटिया है, कोई रोड़े हैं, कोई खत्री हैं, कोई मोदी हैं, कोई आहलूवालिया है, कोई कोई है, कोई है, ये कौन है? ये तो पहले व्यापारी लोग थे, बढ़िया लोग थे, व्यापार करते थे, इन्होंने तो कभी हथियार हाथ में पकड़े नहीं थे, ये तो तराजू पकड़ने वाले थे। लेकिन गुरुदेव ने कहा मैं इनको तराजू पकड़ना भी सिखाऊंगा और उनको तलवार पकड़ना भी सिखाऊंगा, मैं उनको लड़ना भी सिखाऊंगा। हमारे यहाँ अंग्रेज आए, अंग्रेज भी तो तराजू वाले बढ़िया थे, वो तो व्यापार करने आए थे,
लेकिन वो केवल व्यापारी नहीं थे, हर एक अंग्रेज एक हाथ में तराजू पकड़े हुए था, दूसरे हाथ में तलवार पकड़े, वो सॉल्जर भी है, वो सेनापति भी है, वो प्रोफेसर भी है, वो आर्किटेक्ट भी है, वो डिजाइनर भी है, सब कुछ। गुरुजी ने जो नया समाज बनाया, और ये इसलिए मैं नया समाज कह रहा हूँ क्योंकि धर्म जो है वो पूरी प्रजा को गढ़ता है, बनाता है, धर्म के द्वारा प्रजा गढ़ी जाती है। एक जैनी और एक सिख में फर्क क्या है, दोनों में क्या फर्क है? जैनी जो है उसको उसके धर्म ने गढ़ा हुआ है, और सिख को उसके धर्म ने उसको गढ़ा हुआ है, मुसलमान को मुसलमान के धर्म ने गढ़ा हुआ है। आदमी जो है धर्म के द्वारा एक आकार प्राप्त, एक व्यक्तित्व प्राप्त करता है, और वो व्यक्तित्व क्या है? उन्होंने कहा तुम्हारे में कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, एक साथ में भोजन करो, एक साथ में पंगत लगाओ, एक साथ में लंगर में जाकर बैठो, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, गुरु का दरबार है, ये तो मत्था टेकने की जरूर जगह है, यहाँ जो मत्थे का बोझ है, मत्थे का भार है, अगर यहाँ हल्का नहीं करोगे तो कहाँ जाके हल्का करोगे? यहाँ भी अहंकार के द्वारा आए और छाती तान के आते रहे तो तुम्हारा मत्था कहीं भी हल्का होने वाला नहीं है। और मत्थे में जब राई घुस जाती है, गुजराती में कहते हैं राई भराई छे, मत्थे में जब राई घुस जाती है तो आदमी को बहुत बड़ी मत्थे की बीमारी लग जाती है। गुरु जी ने कहा मत्था टेको, जमीन के साथ में मत्था झुका करके इन ग्रंथ साहब को प्रणाम करो, ये प्रतीक है, ये रब के परमेश्वर के प्रतीक है। और आपको आश्चर्य होगा महाराज, जिंदगी भर मुगलों से लड़ते रहे, राजाओं से लड़ते रहे, नफरत किसी से नहीं, नफरत किसी से नहीं। उनके लड़ने वालों में मुसलमान भी उनके साथ में थे, पीर भी थे और दूसरी कौम के लोग भी थे। आप जानते होंगे एक ग्रंथ साहब में कई मुस्लिम सूफी संतों के भी भजन है, नामदेव जी के भी हैं, कबीर के भी हैं, उन्होंने कभी किसी से नफरत नहीं की, जहाँ से जो भी अच्छी चीज मिली उन्होंने ले ली और उसको संग्रहित किया। बहुत प्राचीन काल में हमारे वेद भी इसी प्रकार से बने, वेद भी किसी एक आदमी का बनाया हुआ ग्रंथ नहीं है, वहाँ भी कई ऋषियों के सूक्त हैं, कभी कोई ऋषि ने बनाया, कभी दूसरे ने, कभी तीसरे ने, कभी चौथी ने, इन सभी को मिला करके वेद बने थे। लेकिन वेद के ऊपर एक बपौती आ गई, एक मालिकियत आ गई कि हमारे ही है, कोई उसको पढ़ नहीं सकता है, कोई उसको छू नहीं सकता है, कोई उसको देख नहीं सकता है। वेद लुप्त हो गए, अब दूसरे वेदों की जरूरत थी। और दूसरे वेद क्या है? केवल ये कोई जरूरी नहीं है कि ज्ञान केवल संस्कृत के माध्यम से ही आ सकता है, ये कोई जरूरी चीज नहीं है। ज्ञान के लिए तो कोई भी भाषा हो सकती है, रामकृष्ण परमहंस बंगाली में बोलते हैं तो भी ज्ञान है, कोई उर्दू में बोलता है तो भी ज्ञान है, कोई इंग्लिश में बोलता है तो भी ज्ञान है, बुद्ध पाली में बोलते हैं तो भी ज्ञान है, और महावीर जो है अपभ्रंश में बोलते हैं, मागधी में बोलते हैं तो भी ज्ञान है। गुरु ग्रंथ साहब क्या है? वहाँ कई कई हिंदू सिख मुस्लिम ये सब भी संतों और सूफियों की बुल्ले शाह की कापियां भी उसमें है, और कई कई चीजों की उसमें है, उन्होंने किसी से नफरत नहीं। इतना ही नहीं, गुरु नानक देव जी के साथ में तो हमेशा एक मुस्लिम जो सेवक है वो हमेशा साथ ही साथ में ही रहता, जब देखो तब उनके साथ में। और मैं अगर भूल ना करता हूँ तो जब पहला युद्ध 22 राजाओं के साथ में हुआ हिमालय के पांवटा साहब के पास में, तो उस समय में गुरु जी को सबसे ज्यादा अगर किसी ने मदद की तो एक पीर ने की थी, वो अपने 500 मुरीदों को लेकर के आए और उनकी मदद की थी। तो गुरु जी की एक खासियत थी, और आप देखेंगे एक युद्ध में मुगलों का जो सरदार है सैयद खान ऐसा कुछ नाम है, वो पूरा का पूरा बदल गया, हथियार छोड़ दिया, गुरु जी के चरणों में आ गया और उन्होंने उसको स्वीकार भी कर लिया। आप देखेंगे गांधी जी जिंदगी भर अंग्रेजों के साथ में लड़ते रहे लेकिन अंग्रेजों से नफरत नहीं। महापुरुष की यही विशेषता है, अगर ये विशेषता ना होती तो शायद गुरु जी केवल योद्धा या सेनापति कहे जाते, आध्यात्मिक पुरुष नहीं कहे जाते। योद्धा होते, राणा प्रताप योद्धा है, शिवाजी महाराज योद्धा है,
बहुत बड़े सेनापति हैं, ऐसे बड़े बहुत बड़े बड़े सेनापति होते हैं, लेकिन गुरु जी में आध्यात्मिकता भी थी। और आध्यात्मिकता मतलब ये होता है हम जुल्मों के सामने लड़ते हैं, कोई कोई पूरी प्रजा के सामने नफरत नहीं खड़ी करते हैं कि सब काफर हैं और ये फलाने हैं, इनको मारो और इनको काटो। मैंने यहाँ तक एक बात सुनी कि जब युद्ध हो रहा था पंजाब में, और उस समय में तो पानी की बड़ी किल्लत थी, और युद्ध में तो कहाँ पानी मिलता है, पीने को नहीं, नहाने को नहीं, खाने को मुश्किल होती है। तो गुरु जी के जो मशक वाले थे, मशक लेकर के जो जो घायल आदमी है, सिपाही है, उनको जो पानी पिलाते हैं, तो उसमें से एक मशक वाला मुगलों के सिपाहियों को भी पानी पिलाता था, वो भी मर रहा, पानी 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 पानी। भाई कन्हैया जी, भाई कन्हैया जी ने वो मुगलों के सिपाहियों को भी पानी पिलाया। किसी ने आकर के फरियाद कर दी, महाराज एक एक तोले पानी की कीमत वहाँ कितनी है, और ये अपने सिपाहियों के साथ में उनको भी, दुश्मनों को भी पिलाता है। कन्हैया जी को बुलाया और पूछा गुरु जी ने, क्या ये सही बात है? उन्होंने कहा, महाराज सही बात है, ऐसा क्यों करते हो? महाराज मैंने आपसे ही सुना है, ये तो आपकी वाणी है, आप ही कहते हैं जो आदमी मरने पड़ा है उसके साथ में क्या भेद कर रहे हो? वो लड़ने आया था, लड़ा, हम लड़ने गए थे, लड़े लड़े। अब लड़ाई में किसी की जीत होती है, किसी की हार होती है, लेकिन अब जो भगवान के द्वार पर जा रहा है, आपकी विश्वास ले रहा है, वो तो सब एक है, अव्वल नूर वो पाया एक अल्लाह, ऐसा कुछ है ना, तो एक ही परमात्मा है, उसमें क्या भेद करूँ? गुरु जी ने उसको छाती से लगा दिया। ये उनका अध्यात्म, ये उनका अध्यात्म, ये अध्यात्म अगर औरंगजेब में हो जाता ने, तो औरंगजेब को एक बहुत बड़ा सुखी संत हो जाता, जो अगर ये अध्यात्म उसमें आ जाता, लेकिन ये उसमें नहीं आया, उसमें एक ही आया है, बस ये जहर जहर और जहर, सबको मारो सबको मारो, हम ही सही है, हम ही सच्चे हैं। इसलिए आपने देखा कि ये एक बहुत बड़े सेनापति है, योद्धा तो होता है, सिपाही बहुत होते हैं, सिपाही का काम लड़ना है, लेकिन सेनापति जो होता है वो तो कोई कोई होता है, क्योंकि उसको तो हजारों आदमियों को संगठित करना है, जत्थेदार होता है, जत्था बनाना कोई आसान चीज नहीं है, अकेले तो कहीं भी रहो कहीं भी घूमो, लेकिन 100-200-500 आदमियों का आप जत्था बनाते हैं और सबके मन को जीतना कोई आसान चीज नहीं है। एक दिन के, दो दिन के, तीन दिन के लिए ये संगत जब इकट्ठी हुई है, और यहाँ जब इतने सारा लोग आए हुए, मजमा लगा हुआ है, सबके मन को आप कैसे जीत पाएंगे? लेकिन गुरु जी में एक खासियत थी, वो सबके मन को जीत लेते थे, सबके मन को अपने अपने प्रेम से जीत लेते थे, और इसलिए वो एक बहुत बड़े सेनापति थे, साथ ही साथ में वो बड़े बड़े जत्थेदार थे, संगठक थे, और इसके द्वारा कई बार वो हारे, कई बार भागना भी पड़ा, कई बार तो कुछ न कुछ करना पड़ा, लेकिन भीतर से वो कभी हारे नहीं, और लोगों ने उनका साथ नहीं छोड़ा, जो उनके साथ में आया मरते दम तक उनके साथ में रहा। आप जानते हैं कि कई लड़ाइयों के बाद में राजाओं ने देखा कि भाई ये तो हम इनको पहुंच नहीं सकते हैं, इसलिए दिल्ली से, आगरा से बादशाह की सेना को बुलाया जाए, बादशाह की सेना भी आई और वह लड़ाई भी हुई, कई हुआ, आपके दो पुत्र लड़ाई में शहीद हो गए, चार लड़के, चार लड़कों में से दो लड़के बाप के सामने, आंखों के सामने देखते देखते आंख में से एक आंसू की बूंद नहीं आई। ये उनकी दूसरी आध्यात्मिकता है। आदमी लड़ता है, महाभारत में देखिए, जब द्रोण को कहा गया अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा मारे गए, नरो वा कुंजरो वा, द्रोण ने बाण छोड़ दिया, भाई मैं लड़ाई नहीं करूंगा, अरे जी मेरा लड़का मर गया, डिप्रेस हो गए, तुरंत ही आदमी जो है अपने कर्तव्यों से भाग जाता है। लेकिन गुरु जी ने अपने लड़कों को अपने आंख के सामने मरते देखा, उन्होंने कहा जाओ तुम लड़ो, मेरा लड़का अगर खटिए में मरेगा, कैंसर से मरेगा, हाय हाय करते मरेगा, तो मेरा लड़का तो युद्ध में मरेगा, सामने छाती से मरेगा, और खालसा की फतह बोलते बोलते मरेगा, वही तो मेरा लड़का है। आगे इनकी दूसरी आध्यात्मिक, अगर इनकी जगह पर कोई दूसरा होता तो संन्यास ले लेता, वो कहता भाई जाने दो, इसमें कोई सार नहीं है, अपने आत्मा का उद्धार कर लो, हिमालय में कहीं गुफा बना करके बैठ जाओ। लेकिन उन्होंने जो व्रत लिया था, जो प्रण लिया था, जो टेक ली थी, वो नहीं छोड़ी,
आप जानते होंगे, अच्छी तरह से जानते होंगे कि दो लड़के जब युद्ध में मारे गए तो ये सात और नौ बरस के और दो छोटे लड़के, उनको तो सुबह ने दीवारों में चुनवा दिया। और दीवार के सामने दुनिया भर में आप देखेंगे ऐसा कहीं इतिहास नहीं मिलता है, एक तरफ सात बरस का लड़का, एक तरफ नौ बरस का लड़का चुने जा रहे हैं और सामने कुर्सी डाल करके वो दीवान और सुबह बैठा हुआ है, उनको लालच दे रहा है तुमको क्या चाहिए, तुम्हारी शादी करेंगे, तुम्हें जागीर देंगे, तुम्हें फलाना देंगे, धर्म बदल दो, धर्म बदल दो। लेकिन ये शेर के बच्चे थे, सिंह के बच्चे थे, और आखिर दम तक वो नहीं झुके, नहीं झुके, नहीं झुके। ऐसा कहा जाता है जब छोटे बच्चे के नाक के ऊपर ईंट रखने की बारी आई तो वो बड़ा बच्चा जो था वो रोने लगा, तो रोने लगा तो सुबह को हुआ अब इसको भान हुआ है, उसने कहा बोलो क्यों रोते हो, अभी ईंटें हटवा देते हैं। उन्होंने कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं बड़ा, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं बड़ा हूँ, इसलिए मेरे देखते देखते मेरा छोटा भाई है पहले शहीद होगा और बाद में मैं शहीद हूंगा। होना तो ये चाहिए था कि पहले मैं अपनी शहीदी दूं और बाद में मेरे छोटे भाई की शहीदी हो। सुबह ने पांव पछाड़े और कहा ये किस मिट्टी से ये लड़के पैदा हुए। कहते हैं मलेरकोटला के जो नवाब थे उन्होंने विरोध किया था, निर्दोष बच्चों के साथ में खिलवाड़ मत करो, इतना जुल्म मत करो, जुल्म को भगवान सहन नहीं करता है, लेकिन जो हुआ तो हुआ। आप जानते हैं पूरा इतिहास कुर्बानियों से भरा हुआ है, आध्यात्मिकता से भरा हुआ है, व्यावहारिक कुशलता से भरा हुआ है, वीरता से भरा हुआ है। और आखिर में आप देखते हैं तो नांदेड़ में महाराज चले जाते हैं, औरंगजेब भी अपना शरीर छोड़ के चला जाता है, पीछे बड़ा भारी कटुता आती है, लड़के मारे जाते हैं औरंगजेब के, और नांदेड़ में जाकर के अपनी कुछ निवृत्ति बिता रहे हैं। और वहीं पर किसी दगेबाज ने विश्वासघात करके गुरु जी के साथ में जो व्यवहार किया और वो सुबह आप जानते हैं।